तो आपको नया स्कूटर लेना है पर वो पेट्रोल ले या इलेक्ट्रिक ले, इसमें आप कंफ्यूज हो, तो इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं एक्टिवा 6G का एम्पियर मैग्नस EX के साथ। इन दोनों की जो प्राइस है वो करीबन सेम है, तो इस वीडियो के अंत तक आप जान जाओगे कि इलेक्ट्रिक स्कूटर फायदेमंद है या पेट्रोल स्कूटर। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना गाइज, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। तो चलिए गाइज वीडियो को शुरुआत करते हैं। Yes guys, तो यहां पे मैं कंपेयर करने वाला हूं इन दोनों की इनिशियल कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट ऑल्सो। तो शुरुआत करते हैं एक्टिवा 6G के साथ, और एक्टिवा 6G अगर देखा जाए तो बैटरी उसमें नहीं है, बैटरी सादा उसमें लगता है खाली इंडिकेटर लाइट्स हॉर्न ये चलाने के लिए। बट मैं एम्पियर मैग्नस EX की बात करूं तो उसका हार्ट है बैटरी जो आपको 2.295 किलोवाट आवर का मिल जाता है। गाइज अभी किलोवाट आवर क्या है आप अच्छी तरीके से जान लो, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप एक यूनिट जब घर में कंज्यूम करते हो उसका मतलब है आप 1 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो, और 1 किलोवाट आवर इस एनर्जी का जो चार्ज है वो सिटी टू सिटी स्टेट टू स्टेट अलग हो सकता है। जैसे नासिक में अगर बोलूं तो 1 यूनिट का चार्ज 0 टू 100 यूनिट्स के लिए वो करीबन 3 रुपीज 46 पैसा है, अगर मैं 100 रुपीज के ऊपर कंजम्पशन कर रहा हूं तो करीबन वो 6 रुपीज के आसपास है। बट अगर हम कंसीडर करें बेसिक चार्ज और एवरेजिंग करें 7 रुपए अगर हम 1 यूनिट की कॉस्ट कंसीडर करें, एकदम ओवर एंड अबव कंसीडर कर रहा हूं 7 रुपीज, तो ये स्कूटर जो है ये करीबन आपकी 15-16 रुपए में फुल चार्ज हो जाएगी। गाइस 15-16 रुपए में फुल चार्ज हो जाएगी आपकी एम्पियर मैग्नस EX। उसके बाद में आती है गाइस मोटर। अभी ये जो इंजन होता है एक्टिवा 6G का, इलेक्ट्रिक स्कूटर में तो मोटर होता है बट एक्टिवा 6G का इंजन जो है इट इज 109cc, और एम्पियर मैग्नस EX का मोटर बहुत ही तगड़ा है 1200 वाट का, जो आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस देता है सिटी में हो या विलेज में हो उसके साथ। उसके बाद में रेंज मतलब माइलेज होता है गाइस। एक्टिवा 6G जो रेंज है इट इज अराउंड, मैं कंसीडर कर रहा हूं 50 किलोमीटर इन अ सिंगल लीटर पेट्रोल। अभी मैं नासिक महाराष्ट्र की बात करूं तो 110 रुपया पेट्रोल क्रॉस हो चुका है ऑलरेडी, मतलब 110 रुपया खर्चा करके आपकी जो पेट्रोल स्कूटर है अगर आप एक्टिवा 6G लेते हो तो वो आपको 50 किलोमीटर लेके जाएगी, मतलब ऑन एन एवरेज 2 से 2.5 रुपया प्रति किलोमीटर आपको खर्चा आएगा। जब मैं एम्पियर मैग्नस EX की बात करूं तो 121 किलोमीटर की इसकी रेंज कंपनी ने क्लेम की है। अगर आपको 100 किलोमीटर भी रेंज मिल जाती है तो गाइस जैसे मैंने बोला कि 2.295 किलोवाट आवर की बैटरी आपको करीबन 15 से 16 रुपए में चार्ज हो जाएगी फुल्ली। अगर हम कंसिडर करते हैं इसके भी ऊपर 20 रुपए, अगर हम कंसिडर करते हैं 20 रुपए, तो 20 रुपए में ये स्कूटर आपको कंपनी के अनुसार 121, बट अगर आप कंसिडर करें थोड़ी सी कम रेंज करीबन 100 किलोमीटर तो 20 रुपए में 100 किलोमीटर ये आपको लेके जाएगी, मतलब खाली 20 पैसा पर किलोमीटर आपको ये लगेगा। गाइस उसके बाद में आ जाता है टॉप स्पीड। एक्टिवा 6G का जो टॉप स्पीड है वो तो आपको रेंज जो ओडोमीटर है या जो स्पीडोमीटर है सॉरी, तो स्पीडोमीटर में आपको 110 तक दिखेगा बट 85-90 तक ये गाड़ी स्टेबल चलता है। अगर हम एम्पियर मैग्नस EX की बात करें तो 50 तक का आपको टॉप स्पीड मिल जाता है, कंपनी क्लेम टॉप स्पीड है 55 का। मुझे ऐसा लगता है सिटी के लिए 50 इज गुड टॉप स्पीड, सिटी में हम 60 70 80 90 से गाड़ी नहीं चलाते। तो एम्पियर मैग्नस EX में वो 50 के एमपीएस का टॉप स्पीड है, एक्टिवा 6G में 85 का है। उसके बाद में टॉर्क की बात की जाए बहुत अच्छा खासा टॉर्क प्रोड्यूस करती है पेट्रोल व्हीकल, क्योंकि उसमें जो इंजन है वो बहुत ही तगड़ा है, 8.79 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करती है एट 5250 आरपीएम। अगर हम एम्पियर मैग्नस EX की बात करें तो टॉर्क ज्यादा है बट एट लो स्पीड 440 आरपीएम पे आपको 12 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता। उसके बाद में गाइस बात आती है ग्रेडेबिलिटी। आपको अगर एलिवेशन में जाना है, थोड़ा सा आपको अपहिल जाना है, तो ग्रेडेबिलिटी बहुत मायने रखती है। एक्टिवा की ग्रेडेबिलिटी मेंशन नहीं की गई उनके वेबसाइट पे, बट मुझे ऐसा लगता है अच्छी खासी ग्रेडेबिलिटी, हम ऑलरेडी पेट्रोल स्कूटर यूज करते हैं तो ग्रेडेबिलिटी अच्छी होती है। बट एम्पियर मैग्नस EX की ग्रेडेबिलिटी भी बहुत अच्छा है, इट इज 13 डिग्री, 13 डिग्री पे वो चढ़ सकता है, 13 डिग्री का स्कोप जो स्लोप है जो एलिवेशन है वो इजिली कवर कर सकता है। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर गाइज वो है ऑन रोड प्राइस। एक्टिवा 6G की ऑन रोड प्राइस करीबन नासिक में, आई एम टॉकिंग अबाउट नासिक महाराष्ट्र, करीबन 90,500 रुपए है, और एम्पियर मैग्नस EX की ऑन रोड प्राइस करीबन 88,000 है गाइस। तो 2,000 से एम्पियर मैग्नस EX सस्ती है। तो ये पहली बात हो गई गाइस, हमने स्ट्रेट अवे कंपैरिजन किया इनका कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स के साथ। अभी दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
तो गाइस इनिशियल कॉस्ट तो हमने डिस्कस कर दी, एम्पियर मैग्नस ईएक्स आपको करीबन 2000 रुपए से कम कीमत में मिल रही है एज कम्पेयर टू एक्टिवा 6G, बट रनिंग कॉस्ट भी जान लेते हैं। रनिंग कॉस्ट मतलब ये जो 2.29 किलोवाट आवर का बैटरी है, ये फुल चार्ज करने को करीबन आपको 20 रुपया लगेगा, और ये 20 रुपये में आप जा पाओगे एज पर कंपनी 121 किलोमीटर, मैं 100 किलोमीटर ही पकड़ रहा हूँ, तो 20 रुपये में आप 100 किलोमीटर जा पाओगे बाय यूजिंग एम्पियर मैग्नस ईएक्स। बट अगर आप एक्टिवा 6G लेते हो तो 110 रुपये पेट्रोल है गाइस, 110 रुपये पेट्रोल है, और एक्टिवा अगर 50 किलोमीटर का एवरेज देती है तो 1 लीटर में आप 50 किलोमीटर जा सकते हो। पता चल गया, अगर आपका डेली रनिंग में 50 किलोमीटर पकड़ता हूं तो डेली आपको 110 रुपये खर्चा करना पड़ेगा एक्टिवा 6G पे। अगर आपका डेली रनिंग है 50 किलोमीटर इलेक्ट्रिक स्कूटर पे तो रोज आपको शायद 10 ही रुपया लगेगा। ओके, तो अगर इसका महीने को एक्टिवा 6G का महीने को पेट्रोल का खर्चा 5000 रुपये में कंसिडर करता हूं तो इलेक्ट्रिक स्कूटर का वो महीने का खर्चा सिर्फ 500 रुपये है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो रनिंग कॉस्ट है वो पेट्रोल व्हीकल से 1/10 है गाइस, इट इज 1/10, बहुत ही सस्ता जाता है इलेक्ट्रिक स्कूटर जब हम रनिंग कॉस्ट कंसिडर करते। तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सर्विसिंग कॉस्ट, इलेक्ट्रिक स्कूटर का सर्विसिंग कॉस्ट ऑन एन एवरेज 300 रुपये है गाइस पर ईयर 300 रुपये। अब मैं पेट्रोल की बात करूं तो करीबन 1000 रुपये पर ईयर आपको उसका सर्विसिंग कॉस्ट आता ही आता है। उसके बाद में तीसरी बात, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि बैटरी खराब हो जाएगी तो बहुत ज्यादा कॉस्ट पे करना पड़ेगा, बट गाइज बैटरी को वारंटी है 3 साल की, और 3 साल के बाद भी अगर बैटरी खराब हो जाए तो गाइज नई नई टेक्नोलॉजी इंडिया में डेवलप हो रही है, बैटरी की कॉस्ट आगे जाके चीप होने वाली है। इंडिया इज गोइंग टू हैव देयर ओन बैटरी कॉल्ड एज एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी, और उसकी प्राइस भी कम हो जाएगी। दूसरा पॉइंट बैटरी में ये है गाइज कि बैटरी पूरी कभी नहीं खराब होती, बैटरी के अंदर सेल्स होते हैं, तो सेल्स खराब हो सकते हैं, तो पूरा सेल सब सेल्स नहीं बदलने पड़ते, आपको जो सेल खराब हुआ है वो बदलना पड़ता है। तो इस बात में मुझे ऐसा लगता है कि 3 साल बाद भी अगर आपको बैटरी बदलनी पड़े तो उसकी कॉस्ट करीबन एम्पियर मैग्नस ईएक्स की बैटरी की कॉस्ट करीबन मैं कंसिडर करता हूँ 25,000 होगी। तो 25,000 ये जो प्राइस है, 3 साल में आप इतना स्कूटर चलाओगे आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर, तो 25,000 फिर से भी अगर खर्चा करोगे तो वो पेट्रोल से प्राइस कम ही होगा। तो यहां पे अगर मुझे 5000 रुपये लग रहा है एक महीने में, तो पूरे साल में कितना लगेगा पेट्रोल व्हीकल को, पूरे साल में 60,000 का पेट्रोल लगेगा, पूरे साल में आपको 60,000 का पेट्रोल लगेगा, बट इलेक्ट्रिक में पूरे साल में आपको कितना लगेगा 6,000। एक महीने को अगर आपको 500 लग रहा है तो 12 महीने को 6,000 लगेगा भाई। तो यहां पे देखो ना, जो पेट्रोल की कॉस्ट है वो 60,000 लग रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है वो 6,000 है, तो यहां पे ही हमारी बचत 54,000 हो रही है गाइज, 54,000 की बचत हो रही है एक साल में। तो फिर भी अगर 3 साल बाद आपको नई बैटरी लेनी पड़े तो वो आपको सस्ती जाएगी कि नहीं जाएगी, आपको समझ में आ रहा है? फिर से एक बार रिपीट करता हूं, 110 रुपये में 50 किलोमीटर जाती है, 110 रुपये यहाँ की कॉस्ट है 1 रुपये 1 लीटर पेट्रोल की, 1 लीटर पेट्रोल में 50 किलोमीटर जाती है एक्टिवा 6G, 20 रुपये में 100 किलोमीटर जाती है एम्पियर की मैग्नस ईएक्स। इसका मतलब अगर मैं अज्यूम करूं कि 5000 रुपये मुझे महीने के लगते हैं पेट्रोल को, तो इलेक्ट्रिक के मुझे महीने को सिर्फ 500 रुपया लगेगा, करीबन 1/10 लगता है इलेक्ट्रिक का रनिंग कॉस्ट। उसका मतलब है 12 महीने के लिए इसका 60,000 रुपये तो पेट्रोल पे ही खर्चा हो जाएगा, और इलेक्ट्रिसिटी पे 12 महीने पे सिर्फ 6,000 रुपये खर्चा होगा। मतलब आपका बचत कितना है, 54,000 का बचत है। तो 3 साल बाद भी अगर आपको नया बैटरी लेना पड़े तो बहुत ही सस्ता जाएगा भाई, क्योंकि इतना सेविंग तो आपका हो रहा है रनिंग कॉस्ट में। और कौन बोला आपको 3 साल में बैटरी खराब होगा, अगर आप अच्छा ब्रांड ले रहे हो, एथर ले रहे हो, एम्पियर ले रहे हो, बजाज ले रहे हो, ओला ले रहे हो, तो नहीं खराब होगा, क्योंकि उनके सेल जो है वो अच्छे कंपनी के, अच्छे ब्रांड्स के हैं। तो दिमाग से ये निकाल दीजिए कि इलेक्ट्रिक स्कूटर बुरी है, उसका रनिंग कॉस्ट, उसका सर्विस कॉस्ट, उसका बाद में जो कॉस्ट है 3-4 सालों बाद में बैटरी का कॉस्ट, वो सब कंसिडर करे तो भी इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको परवड़ेगा, तो भी आपके बहुत सारे पैसे वो बचाएगा। गाइज ये वीडियो कैसा लगा जरूर बोलना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, प्लीज लाइक ठोक देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।